नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिंदगी यूपी की में। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बढ़िया अपडेट आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आई है PEL की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि दोस्तों एक PSU है, नवरत्न PSU है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन दोनों ब्रांचेस से रिलेटेड तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आप तक प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इतना छोटा सा काम आप कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, एडवर्टाइजमेंट वाले पोर्शन में जाओगे, तो आपको यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर पूरा एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की 22 मार्च 2022 है। तो दोस्तों, आज से आपको 20 से 22 दिन अप्लाई करने के लिए टाइम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि कम टाइम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। दोस्तों, ये सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, और नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फुल नोटिफिकेशन अगर खुद से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, तो दोस्तों मैं ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ और दिखाता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दे रखा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलो दोस्तों, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है। और दोस्तों, ये जॉब परमानेंट है, ऑन परमानेंट लिखा हुआ है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट ने दे रखा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है आपकी जो अप्लाई किया है। दोस्तों, ये डेट दे रखी है 2/3/2022, यानी कि ये नोटिफिकेशन कल पब्लिश होना था, उससे पहले ही 1 मार्च को ये पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीनियर इंजीनियर E3 के लिए आपका रिक्रूटमेंट है, पोस्ट है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस की वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है, 6 वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। और दोस्तों, जो ये वैकेंसी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और दोस्तों यहाँ पर पूरा ब्रांचेस दे रखी हैं, उसके बाद में आपकी वैकेंसी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 8 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में। दोस्तों, जो एज लिमिट है 32 साल है, और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर द कैटेगरी, दोस्तों नोटिफिकेशन में मेंशन है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद में आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। दोस्तों, वैसे भी ये वैकेंसी जो है नवरत्न कंपनी की है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है नवरत्न PSU के अंदर में। दोस्तों, यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी बढ़ाई या घटाई जा सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, ये तो लिखा होता है, लेकिन अभी के लिए 6 और 8 वैकेंसी हैं आपकी। और दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखा है, तो क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए, आपने दोस्तों अगर आप EWS जनरल या फिर OBC कैटेगरी से हो, तो आपके पास में BE BTech होना चाहिए फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर आपके पास MTech होना चाहिए और लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कंपलसरी नहीं है MTech, अगर आपके पास MTech है और या फिर BTech ही है सिर्फ और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, फुल टाइम यहाँ पर आपके पास MTech होगा तब भी आप एलिजिबल हो। दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का दे रखा है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस में BTech है या फिर MTech है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एज दे रखा है, मैंने आपको बताया था एज पर द रिजर्वेशन आप यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन में 32 साल के ऊपर, यानी कि 32 के आप हैं और आप OBC से हैं, तो 3 साल का आपको रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए, अगर आपने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस से, तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपके पास MTech है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो किन किन कैटेगरी में होगा, ये भी उन्होंने क्वालिफाई, मतलब कि उन्होंने ये भी क्लेरिफाई कर दिया है, जैसे आपके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना इन द सेंस इन इन फील्ड में से किसी एक फील्ड में है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का दे रखा है, तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं और आपके पास इनमें से किसी एक में एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दोस्तों, आपके पास जो
दोस्तों आपके पास जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके पास जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उससे पहले ये जान लें आपको काम क्या करना होगा, वो पूरा दे रखा है कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम करना पड़ सकता है। दोस्तों उसके बाद में आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। दोस्तों इंटरव्यू के बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों जो रिटन टेस्ट है आपका वो बेंगलोर में होगा, अगर आप बेंगलोर जा सकते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आप बेंगलोर नहीं जा सकते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल मत करना, अगर आप जा सकते हैं देने तो आप यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर फीस पेमेंट जो है आपके 750 रुपये है इंक्लूडिंग GST, तो आपकी 750 रुपये फीस रहने वाली है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में आप यहां पर फीस को पे कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है ये सब, कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहां पर 1/3/2022 तक आप पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब आप खुद से पढ़ लेना, ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर कैंडिडेट इंडियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है एज पर सिलेक्शन के बाद में। और दोस्तों यहाँ पर जो डेट है अप्लाई करने की, कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड रीच और बिफोर 22/3/2022, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर आपने जो प्रिस्क्राइब फॉरवर्ड एलिजिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये फॉर्म आपको सेंड भी करना है, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद में जो हार्ड कॉपी है उसको यहाँ पर पोस्ट कर दें, यहाँ पर दोस्तों ये एड्रेस दे रखा है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको पोस्ट कर दें, अब अगर आप इस फॉर्म को फिल कर दें तो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी अलग नोटिफिकेशन के साथ, किसी अच्छी सी वैकेंसी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।